टाइम, समय, ये शब्द सुनते ही हमारे आंखों के सामने आती है घड़ी, उसके सेकेंड्स, मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल, युग, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। और थोड़ा जटिल सोचे तो टाइम जोन्स, टाइम वार्प, टाइम जंप, टाइम फ्रेम, स्पेस एंड टाइम, ऐसे कई सिद्धांत। तो क्या सच में समय का भी जन्म और मृत्यु है, या समय स्थिर है? ब्रह्मांड में समय सभी जगह एक ही है या अलग अलग? क्या समय कभी था ही नहीं? समय कोई वस्तु है या सिर्फ कल्पना? क्या हम समय पर विजय पाकर भूतकाल और भविष्यकाल में यात्रा कर सकते हैं? ऐसे कई रहस्य आज के वीडियो में हम सुलझाने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमी, जहां हम अद्भुत खगोल शास्त्र और भौतिक शास्त्र के नियमों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ी जटिल पर मजेदार बात से शुरुआत करते हैं। आप और आपका मित्र मेरा यही 10 मिनट का वीडियो अपने अपने मोबाइल पे देख रहे हो। दोनों ने एक ही वक्त पर वीडियो की शुरुआत की है। फर्क इतना ही है कि आप प्रकाश की गति के 99% गति से उड़ने वाले यान में यात्रा आरंभ कर रहे हो और आपका मित्र आराम से सोफे पर लेटे हुए मोबाइल पे वीडियो देख रहा है। तो जब तक आप ब्रह्मांड की यात्रा करके ये 10 मिनट का वीडियो जैसे ही ख़त्म होता है, तभी पृथ्वी पर वापस आ जाते हो। तो पृथ्वी पर आपके लिए आश्चर्यजनक बदलाव आपकी राह देख रहा होगा कि आपके 10 मिनट में पृथ्वी के कई साल बीत गए होंगे और आपका मित्र शायद बूढ़ा हो गया होगा। मतलब आप भविष्य में आ चुके होंगे। यकीन नहीं होता ना? 19वीं सदी के अंत तक किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। सभी लोग यही मानते थे कि समय पूरे ब्रह्मांड में एक ही रफ्तार से गुजरता है। मतलब अगर पृथ्वी पर एक साल का समय और अंतरिक्ष में भी एक साल का समय दोनों बराबर होंगे। पर 20वीं सदी की शुरुआत में एक व्यक्ति ने अपने सापेक्षतावाद के सिद्धांत से पूरी जगत में खलबली मचा दी। हाँ दोस्तों, वो महान व्यक्ति थे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने प्रयोगों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिखाया कि अंतरिक्ष में समय अलग अलग वस्तुओं के सापेक्ष अलग अलग चलता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि समय का जन्म या उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो वैज्ञानिकों के अनुसार समय बिग बैंग के साथ जन्मा है। बिग बैंग यानी विश्व की उत्पत्ति का सिद्धांत। जब अवकाश में जमे हुए मैटर का पहली बार विस्फोट हुआ, तभी विश्व की उत्पत्ति हुई और समय का भी जन्म हुआ। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बिग बैंग के पहले समय का कोई अस्तित्व नहीं था। हम समय को जितना साधारण या सिंपल समझते हैं, उतना वो सिंपल है नहीं। समय एक बहुत ही जटिल आयाम है। हाँ, हम 3D की बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में 3 ही आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। पर समय भी एक आयाम है, जिसे चौथा आयाम, 4th dimension कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन ने जो गति के नियम के सिद्धांत स्थापित किए हैं, वो सामान्य जिंदगी में सटीक बैठते हैं। पर जब ही उनका गणित अगर किसी अति गतिशील वस्तु के साथ किया जाए, तो वो फेल हो जाते हैं। इसलिए सर आइंस्टाइन ने सापेक्षतावाद का सिद्धांत स्थापित किया। इससे पता चला कि समय, टाइम और गति, स्पीड, ये एब्सोल्यूट नहीं बल्कि सापेक्ष है। चलिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा सा ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और उस पर 3 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट्समैन, बॉलर और लाइन अंपायर। लाइन अंपायर के पास बॉल की गति नापने का यंत्र है। तो अगर बॉलर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंकता है, तो लाइन अंपायर यंत्र से बॉल की गति नापेगा तो वो 900 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। उन तीनों के लिए वो गति समान होगी। पर अब आप उसी ट्रक को रोड के बाजू से देख रहे हो और आपके पास भी गति नापने का यंत्र है, तो आपका यंत्र गेंद की गति क्या बताएगा? आपका यंत्र गेंद की गति बताएगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से और गेंद उसी दिशा में 900 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जा रही है। पर क्या सच में गेंद की गति उतनी ही है? क्योंकि आप पृथ्वी पर हो और पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से घूमती है। तो अगर चांद से कोई गेंद की गति को नापेगा,
तो उसे गेंद की गति 109,000 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगी। पर चांद भी घूम रहा है, पृथ्वी, सूरज, हमारी आकाशगंगा सभी अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं, तो सभी के सापेक्ष हरेक की गति अलग अलग है। इसे ही क्लासिकल रिलेटिविटी कहते हैं। अभी समय में थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा कठिन सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। इसे टाइम डायलेशन भी कहते हैं। इसके लिए हमें एक बात समझनी होगी कि प्रकाश की गति पूरे ब्रह्मांड के लिए समान है, जो है करीब 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मान लीजिए आपके पास एक प्रकाश की घड़ी है जिसके दोनों बाजू में आईने लगे हुए हैं और उसके अंदर एक लाइट बीम यहाँ से वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दो आईने के बीच का जो डिस्टेंस है, अंतर है, उसे हम डी मानेंगे, छोटा डी। और टाइम जो ट्रैवल कर रहा है यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए प्रकाश को, उसे टी मानेंगे। तो चलो ये घड़ी अगर डिस्टेंस डी और टी एक सेकेंड ऐसा माने तो हमें लाइट का स्पीड मिलेगा जो कि है छोटा एस। हमारे पास गणित का सूत्र है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए कल्पना करते हैं कि आइंस्टाइन इस स्पेसशिप में बैठे हुए हैं और आइंस्टाइन के पास भी सेम वैसी ही घड़ी है जैसी आपके पास है, पर आप स्थिर थे और आइंस्टाइन प्रकाश की गति से थोड़ी धीमी गति से स्पेसशिप से जा रहे हैं। तो अगर हम ये कल्पना करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो प्रकाश का बीम है उसे यहाँ से वहाँ तक, मतलब ये आईने के छोर से वहाँ तक जाने के लिए डिस्टेंस छोटा डी नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जिसे हम बड़ा डी कहेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, जिसे हम सी कहते हैं, कॉस्मिक स्पीड लिमिट। मतलब हम दोनों के लिए छोटा एस और बड़ा एस दोनों इक्वल होने चाहिए, तो उस इक्वलिटी के लिए किसी को तो कम होना पड़ेगा। तो वो जो कम हो रहा है वो दूसरा कोई नहीं है बल्कि समय है। जितने स्पीड से आप ट्रैवल करोगे उतने स्पीड से समय कम होता जाएगा। तो जैसे ही आइंस्टाइन प्रकाश की गति के नज़दीक पहुंचते जाते हैं उतना ही समय उनके लिए धीमा होता जाता है। मतलब आइंस्टाइन का एक दिन या फिर आइंस्टाइन के 10 मिनट पृथ्वी पर कई साल हो सकते हैं। तो जब ये आइंस्टाइन पृथ्वी पर आकर आपको मिलेगा, जो उसके लिए एक ही दिन होगा पर आपके लिए 50 साल हो सकते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन का ये गति का नियम प्रयोगों से सिद्ध भी हुआ है, क्योंकि हमारे उपग्रह जो अवकाश में तीव्र गति से चलते हैं उनकी घड़ियां और पृथ्वी की घड़ियों में कुछ नैनो सेकेंड या मिली सेकेंड का फर्क हर साल आ जाता है, तो हमें हर साल उनका टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। इसी उदाहरण से अगर अनुमान लगाया जाए कि हम एकदम सटीक प्रकाश की गति से उड़ सकते, तो हमारे लिए टाइम, समय रुक जाएगा, थम जाएगा। और उससे भी आगे अगर सोचे, अगर हम प्रकाश की गति से भी ज़्यादा गति से उड़ सके तो समय रिवर्स यानी पीछे भूतकाल में जाना शुरू हो जाएगा। पर यह फिलहाल संभव नहीं है, पर क्या पता भविष्य में हमारे वंशज ऐसा कोई यंत्र खोज निकाले। दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी से निश्चित होता है कि हम भविष्य में यात्रा कर सकते हैं, पर प्रकाश की गति अंतिम होने के कारण हम भूतकाल में नहीं जा सकते। तो क्या हम अपना भूतकाल कभी नहीं देख सकते? तो इसका जवाब है ना, पर कोई और हमारा भूतकाल देख सकता है। वो है परग्रहवासी, एलियंस, जो हमसे कई गुना प्रगत हो और उनके पास अगर इतनी बड़ी दूरबीन हो कि वो पृथ्वी पर मानव की हलचल देख सकते हैं, तो वो हमारा इतिहास लाइव देख सकते हैं। क्या अद्भुत कल्पना है ये! पर हाँ दोस्तों, ये सच है। मैंने मेरे पहले वीडियो में मित्र प्रॉक्सिमा सेंटोरी की बात करते हुए ये मज़ेदार बात बताई थी। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, आप ज़रूर देखना कि हमारे ब्रह्मांड की व्याप्ति असल में कितनी है। उसके बाद ही मैं जो अभी समझाने जा रहा हूँ वो आपको समझ आएगा। तो चलिए इतिहास की एक घटना का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि महाभारत। महाभारत का युद्ध जो कि करीब आज से 5,000 साल पहले हुआ था। तो अगर महाभारत के चरित्रों को लाइव देखना है कि कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, अभिमन्यु
ऐसे महान योद्धा असल में कैसे दिखते थे? तो हमसे 5,000 प्रकाश वर्ष दूर के ग्रह पर रहने वाले लोग वो नजारा देख पाएंगे। अगर उनके पास इतनी बड़ी और शक्तिशाली दूरबीन हो, ये क्यों संभव है? क्योंकि पृथ्वी से जो प्रकाश 5,000 साल पहले निकला था वो अभी उनके पास पहुंचा होगा, तो वो अभी 5,000 साल पुरानी पृथ्वी देख रहे होंगे। अगर हम आज उनसे संपर्क कर पाए और उनसे वो डेटा वीडियो स्वरूप में मंगाया जाए, तो 5,000 साल हमारा मैसेज उन तक पहुंचने में और 5,000 साल उनसे डेटा आने में लगेंगे। मतलब आज से 10,000 साल बाद की जो हमारे भविष्य के वंशज हैं, वो ये नज़ारा देख पाएंगे। क्या अद्भुत है ये विज्ञान और समय की जटिलता, और अद्भुत है हमारा ब्रह्मांड। पर अभी तक का सच यही है, अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसमें ना हम भूतकाल में जा सकते हैं और ना भविष्यकाल में। पर क्या पता किसी दिन हमारे वंशज भूतकाल में हमारे पास भविष्य से मिलने के लिए आ पाए। ये सब सोचते हैं तभी बुद्धि चकरा जाती है। तो सोचते रहिए, क्योंकि सोचना सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको अगले वीडियो का इंटीमेशन मिले। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि मैं किसी आपके चहेते खगोल शास्त्र के संकल्पना पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तभी तक के लिए हैप्पी एस्ट्रोनॉमी।